कोरोना वायरस हमारे शहर के अंदर बड़ी तेजी से आया और अल्लाह का करम है वो चला भी जा रहा है, लेकिन मैंने इससे पहले भी ये बात का जिक्र किया, आज वापस मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे शहर का एमएलए मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उसकी वजह और मेरे पास दलील है, पूरे महाराष्ट्र में कोई भी शहर के अंदर कोऑर्डिनेटर ऑफिसर नहीं भेजा गया, क्योंकि वहां का लोक प्रतिनिधि, वहां का एमएलए बहुत मजबूत और ऑफिसरान से, डिपार्टमेंट से, सरकार से काम लेने के काबिल है, और हमारे शहर का नुमाइंदा बिल्कुल नाकाम 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 साबित हो चुका है। ये गवर्नमेंट भी समझ रही, और गवर्नमेंट ने समझते हुए पंकज आशिया को भेजा, सुनील कड़ासने साहब को भेजा, ताकि वो शहर के अंदर कोरोना वायरस का खात्मा करने में मदद करें। डिपार्टमेंट का एक जगह करके तालमेल से काम ले सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको भेजा, जबकि ये जिम्मेदारी शहर के एमएलए की होती कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से काम ले, वो कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट से काम ले, वो महसूल डिपार्टमेंट से काम ले, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से काम ले, वो एफडीओ ऑफिस से काम ले, वो हर डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट से काम लेने की जिम्मेदारी शहर के लोक प्रतिनिधि की होती है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर नुमाइंदा होता है, असेंबली का मेंबर होता है। मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए शहर के एमएलए, और इसके लिए दो ऑफिसर आईएएस ऑफिसर रेंज के ऑफिसर को भेजकर बाकायदा डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल हो इसके लिए भेजा गया। ये शहर के नुमाइंदगी, शहर के नुमाइंदा नाकाम है, इसके लिए ये आज नौबत इस शहर के ऊपर आई। और शहर के एमएलए ने मुझ पर कई इल्जामात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। आज ये दो ही बातों के ऊपर मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी थी, और मैं मुख्तसर में आप लोगों के सामने रखा हूं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।